नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ऋचा वाशने संभव नेचर के और हॉस्पिटल से। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। साथियों, आज के इस वीडियो से आप खुद ही डायग्नोज कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को और ट्रीटमेंट भी इजी गोइंग में घर पर कर सकते हैं। आइए लेते हैं पहले पीरियड्स में जो दर्द होता है उसको लेके। जनरली ये एक आम धारणा है, मैक्सिमम लोग ऐसा समझते हैं कि जो पीरियड्स में पेन होता है वो एक जनरल फिनोमिना है। नहीं साथियों, ये जनरल फिनोमिना नहीं है। यदि आपको बिफोर पीरियड्स पेन आ रहा है तो इसका जो रूट कॉज है वो है ओवरी, यानी आपको ओवरीज में कोई इन्फ्लामेशन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ना कोई तकलीफ तो ज़रूर है जो ओवरीज से रिलेटेड है, तभी आपको बिफोर पीरियड्स पेन आ रहा है। यानी यदि आपकी डेट आज है और आपको एक हफ्ते पहले से ही पेन आना शुरू हो जाए तो ज़रूर इसका कारण ओवरीज है। दूसरा, ड्यूरिंग पीरियड्स पेन आना, यानी आज हमारी डेट है और हम सुबह से ही हमें दर्द शुरू हो गया है, जैसे ही पीरियड्स हमारा शुरू हुआ और हम गंभीर पेन में आ गए, हमें क्रॉनिक पेन स्टार्ट हो गया है, तो जो इसका जो रूट कॉज है वो है यूट्रस। यानी अब आपको यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, यूट्रस की वॉल थिक हो सकती है, कोई इन्फ्लामेशन हो सकता है, कुछ भी जो यूट्रस से रिलेटेड है इसका जो रूट कॉज है वो है यूट्रस। तीसरा, आफ्टर पीरियड्स पेन आना, यानी अब आपको वीकनेस की वजह से पेन आ रहा है, तो ऐसी अब कोई भी समस्या हो, या इसके अलावा आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, यानी आपकी डेट ही फिक्स नहीं है, कभी बिफोर कभी आफ्टर, यानी कभी डेट से पहले आ जाते हैं, कभी डेट के बाद आते हैं, तो इसको कहते हैं इरेगुलर पीरियड्स। इसके अलावा आपके जो पीरियड्स हैं वो स्कैंटी हैं, यानी कि बहुत कम है, जनरली 5 to 7 days होना चाहिए, और यदि आपके पीरियड्स मात्र 1 या 2 दिन हैं, बहुत ही कम मात्रा में हैं, तो इसको भी हम स्कैंटी पीरियड्स बोलेंगे। ऐसी कोई पीरियड्स की समस्या है या आपको एक्सेस ब्लीडिंग है, यानी आपके 8 दिन पीरियड्स ही हो रहे हैं और इतना एक्सेस फ्लो है कि आप दिन भर में 2 या 3 पैड्स आप चेंज कर रहे हो, और तो ये भी एक एनेमिक का कारण है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, समाधान हमारे पास है ही है, आप इजी गोइंग में घर पर रहकर ही मात्र मेथी के दाने से इस एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो पॉइंट कौन सा है। साथियों, ये हमारी हथेली, ठीक, हथेली में जो ये वाला हिस्सा है, इस जगह पर जहाँ देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये हमारा ओवरीज और यूट्रस से रिलेटेड है, यानी गोनेड्स का हमारा ये पॉइंट है। सो जो कि सबसे बताया था, ये दोनों हमारे पैर, ये दोनों हमारे हाथ, और जो ये वाला हिस्सा आ रहा है ये हमारे गोनेड्स का है। मैं मार्क कर देती हूँ, यही बीच में हमारा यूट्रस है और यही बीच में हमारी ओवरीज है। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो लगेगा कि हम उठपटांग से हो गया है कि पैर ऊपर है, क्योंकि सुजोग के हिसाब से हमारे जो पोजीशन है वो हाथ की वो ऐसे ही रहेगी। अब हम लेंगे पेपर टेप, बनाएंगे इसमें क्रॉस का निशान, जैसे डॉक्टर का क्रॉस होता है बिल्कुल वैसा ही। अब बीचों बीच अब इसमें हम लगा लेंगे 5 मेथी के दाने। ये देखिए साथियों, ये हमने लगा लिया 5 मेथी का दाना, जो अभी हमने बताया था इस जगह पर, और इसी जगह पे हम लगा लेंगे पेपर टेप की मदद से 5 मेथी का दाना। ये दोनों ही हाथों में ट्रीटमेंट करना है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, राइट हैंड बिल्कुल ऐसे, और ये हमें पेपर टेप की मदद से मेथी का दाना चिपका लेना है। ये ट्रीटमेंट हमें, यदि आपको बिफोर पीरियड्स पेन आ रहा है तो आप अपने डेट से पहले ही, यानी कि 10 दिन पहले से आप इस ट्रीटमेंट को शुरू कर सकते हैं, रोज रात में 8 घंटा लगा कर रखें। और यदि कोई भी पीरियड्स की आपको स्कैंटी पीरियड्स है या एक्सेस में ब्लीडिंग आ रही है, इरेगुलर है, या बिफोर पीरियड्स या ड्यूरिंग पीरियड्स या आफ्टर पीरियड्स पेन है, यानी कि पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप 10 दिन या 15 दिन पहले से ही अपना ट्रीटमेंट ये शुरू कर सकते हैं। रोज रात में आपको 6 से 8 घंटा इसको लगाकर रखना ही रखना है, फिर देखिएगा कि आपको जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी पीरियड से रिलेटेड वो सब खत्म हो जाएंगी। साथियों, आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में किसी और नई बीमारी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।